तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि सास्के ओरोचिमारु को मार देता है और उसी गेत्सु नाम के एक बंदे को अपनी नई टीम के अंदर रिक्रूट कर लेता है। अब इसके बाद ये दोनों निकलकर लैंड ऑफ वेव के अंदर हिडन मिस्ट विलेज के पास पहुंच जाते हैं और अब इस विलेज के अंदर जाने के लिए इन्हें इस ब्रिज को पार करना पड़ेगा और ये ब्रिज हिडन मिस्ट विलेज को बाहरी दुनिया से जोड़ता है, जैसा कि हम इस सीरीज के सेकंड या थर्ड पार्ट में देख चुके हैं। और इस ब्रिज का नाम है द ग्रेट नारुतो ब्रिज। दोनों इस ब्रिज को पार करते हैं और हाकू और जाबुजा की समाधि के पास पहुंच जाते हैं, पर यहां पर जाबुजा की तलवार नहीं होती है। ओए सास्के, उसकी तलवार कहां गई? मुझे नहीं पता, मैं उसका रखवाला थोड़ी हूं। सास्के यार, तलवार नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, हमारे बीच एक डील हुई थी ना। और अब ये दोनों उस तलवार को ढूंढने के लिए यहां से निकल जाते हैं। और गाइस ये वही विलेज है जहां पर गाटो नाम के बंदे ने तहलका मचा रखा था, लेकिन अब ये विलेज बहुत ज्यादा शांतिपूर्वक बन चुका है। इसके बाद ये दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर सारी लड़कियां सास्के की दीवानी हो चुकी हैं। और सुगेत्सु सास्के से पूछता है, सास्के एक बात तो बताओ यार, तुम हम सबको इकट्ठा क्यों कर रहे हो? ये बताना जरूरी है, पहले सबको इकट्ठा होने दो, बाद में तुम्हें बताऊंगा, मेरा मकसद बहुत बड़ा है। और तभी एक वेट्रेस यहां पर आ जाती है और सुगेत्सु इस मौके का फायदा उठाकर उस लड़की से पूछता है कि जाबुजा के तलवार के बारे में क्या उसे पता है। दरअसल मुझे नहीं, इस लड़के को जानना है। और ये लड़की बता देती है, नदी के किनारे एक आदमी रहता है जिसका नाम है ताजुना और उसे उस तलवार के बारे में सब कुछ पता होगा। और ये वही बंदा है, वही बुड्ढा जो कि बचपन में इनके साथ उस मिशन में मौजूद था जिसने इनकी हेल्प की थी। सास्के जानता है कि उसका घर कहाँ पे है। और यहाँ पर एक बंदा लकड़ियाँ काट रहा होता है और ये इन दोनों को बताता है कि ताजुना अपने पोते इनारे के साथ लैंड ऑफ लाइटिंग गया है और एक साल के बाद वापस आएगा। सास्के पूछता है, हाँ ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर क्या तुम जानते हो कि जाबुजा की तलवार कहाँ पर होगी, जो किसकी समाधि के पास थी? अरे अच्छा, तो तुम उसकी तलवार के बारे में बात कर रहे हो। दरअसल तेंजन उसे ले गया है, वो एक पॉलिटिशियन है जिसने काले धंधे कर रखे हैं। वो बंदा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, इसलिए उसे विलेज से बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल कहाँ रहता है वो? हाँ, जंगल के बीचों बीच उसका एक बहुत बड़ा महल है, उसके अंदर वो सैकड़ों सैनिकों के साथ रहता है। अब रात हो जाती है और तेंजन अंदर शांति से सो रहा होता है, पर सास्के यहां पर पहुंच जाता है। जब तेंजन की आंखें खुलती हैं तो सास्के की तलवार उसकी आंखों के सामने होती है। कौन है, तुम कौन हो? और सास्के यहां से गायब हो जाता है। और सुबह होते ही तेंजन हजार से भी ज्यादा बंदों को अपने महल के अंदर बुलाता है और यहां की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। सुगेत्सु, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अरे क्या बात है सास्के, तुम तो कमाल के हो यार, अभी इन्हें मारने में बहुत मजा आने वाला है। ओ ढक्कन, इन्हें जान से नहीं मारना है, किसी को भी जान से नहीं मारना है, इन्हें बेहोश करो, अपनी तलवार को उठाओ और यहाँ से जल्द निकलो, समझे? सास्के कितने दयालु हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, मजा तो फिर भी आएगा। सुगेत्सु यहाँ पर अकेले पहुंच जाता है और सामने से 100 से भी ज्यादा लोग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सुगेत्सु बहुत आसानी से इन सभी को पीटना शुरू कर देता है और महल के अंदर जाता है और सभी पर अकेले ही हमला करके सभी को हरा देता है। और सभी लोगों को घायल करने के बाद तेंजन के पास पहुंच जाता है। नामुमकिन, तुमने सबको हरा दिया, तुम मदारा उचिहा के भाई हो क्या? क्या करे, हथियारों का मुझ पर कोई असर ही नहीं होता। और तभी एक पहलवान आदमी जाबुजा की तलवार से सुगेत्सु पर हमला कर देता है, पर सुगेत्सु खुद को पानी में कन्वर्ट कर देता है और इस पहलवान का प्लान खराब हो जाता है और इसे पीट कर आखिरकार जाबुजा की तलवार को ले लेता है। तो बताओ जाबुजा को आखिर किसने मारा था? मुझे नहीं पता भाई। तुम कल रात आए थे ना? सास्के बताओ यार, इसके साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सुगेत्सु रहने दो, और इसे बिना मारे ही ये दोनों यहां से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों लैंड ऑफ वेव से बाहर आ जाते हैं और अभी दोनों ओरोचिमारु के सदरन हाइडआउट की तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर कारिन है। अरे हां, उस बंदी को देखे काफी वक्त हो गया मुझे। ओरोचिमारु के मरने की खबर चारों तरफ फैल जाती है और उसके सदरन हाइडआउट के अंदर सभी के सभी कैदी बगावत शुरू कर देते हैं, लेकिन कारिन उन सभी को पीट कर उसे शांत कर देती है। और सास्के और सुगेत्सु सीधा इसी तरफ आ रहे हैं और सास्के बताता है कि कारिन के पास एक खास एबिलिटी है जो कि उनके बहुत काम आ सकती है। अब ये दोनों सदरन हाइडआउट के अंदर पहुंच जाते हैं और कारिन सास्के का चक्र सेंस कर लेती है। क्या बात है, एक खुशबूदार और एक बदबूदार यहां पर आ रहे हैं। अरे सास्के कितना अजीब है ये, यहां कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, कम से कम एक बैरियर तो बना लेते भाई। अरे यहां पर बैरियर वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि ये जगह उसके कंट्रोल में थी। यार फिर भी बहुत शांति है यहां पर। सुगेत्सु दरवाजे को तोड़ देता है और दोनों हाइडआउट के अंदर आ जाते हैं और अंदर बहुत सारे कैदी होते हैं और बात कर रहे होते हैं आपस में कि ओरोचिमारु मर चुका है। और तभी इनमें से एक बंदा सास्के को देख लेता है। ये तो सास्के है, दोस्तों मुझे लगता है हम लोग बचने वाले हैं, अपना मुंह बंद रख, ठीक है ना? जिसने भी बगावत करने की कोशिश की है उसका कारिन ने क्या हाल किया है तुमने देखा ही है, चुप कर जा। और तभी इस तरफ इन दोनों के सामने कारिन आ जाती है। तो तुम हो सास्के उचिहा, हां तो मतलब वो अफवाहें सच हैं, यहां पर अकेले क्यों आ गए? ओ कारिन, अंधी है क्या, तुझे मैं नहीं दिखता? तो सास्के तुम यहां पर क्यों आए हो? अरे यार इन लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? देखो कारिन मेरी बात सुनो, हम अभी बात नहीं कर सकते, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे बैठने का बंदोबस्त करो अभी प्लीज। ओए सास्के तुम यहां पर क्यों आए हो, जल्दी बताओ ना। अरे ओ देखो दिखता नहीं, मैंने कहा ना हमें अंदर लेकर चल। ये लड़की इससे सूंघती है, कितना बदबूदार है। क्या बोला तूने, फिर से बोलकर दिखाइए जरा। बहुत हुआ तुम दोनों का, कारिन हमें अंदर लेकर चलो। ठीक है मेरे साथ चलो। ये तीनों एक कमरे के अंदर आ जाते हैं। कारिन हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम्हारे साथ चलूं, पर ऐसा क्यों? और सास्के बोलता है कि इसने ओरोचिमारु को मार दिया है और अब उन कैदियों को रखने का कोई भी फायदा नहीं है और उन सभी को आजाद कर देना चाहिए। सुगेत्सु जाओ और यहां के मौजूद सभी के सभी कैदियों को आजाद कर दो। क्या कह रहे हो तुम सास्के, तुम्हारे कहने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। सास्के कारिन हमारे साथ चलो। सुगेत्सु इस कमरे से बाहर चला जाता है और कारिन जल्दी से दरवाजा लॉक कर देती है। ये क्या हो रहा है भाई, और अपने असली रंग में आ जाती है, सास्के के पास आ जाती है बिल्कुल, और बोलती है सास्के मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। क्या, मैं समझा नहीं, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? सास्के मैं कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज मना मत।
मत करना भाई। क्या ये लड़की यार, कारिन सास्के के बहुत ज्यादा पास आ जाती है। कारिन, सुगेत्सु बाहर है, दरवाजा खोलो। नहीं यार, वो हमें परेशान करेगा, उसे भूल जाओ। तू दूर हो जा पहले मेरे से, दूर होकर बात कर। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। सुगेत्सु हमारे बीच आएगा सिर्फ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। कारिन ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे सुगेत्सु की जरूरत है और तुम्हारी भी। सास्के तुमने अपने मन की बात कह दी ना, मुझे यहां से लेकर चलो जितनी जल्दी हो सके। तभी सुगेत्सु दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। लगता है दोनों में प्यार भरी बातें चल रही थी, कुछ हुआ भी तुम दोनों में। कारिन हमारे साथ चल रही है सुगेत्सु। मुबारक हो सास्के, मिशन सक्सेसफुल, रिस्पेक्ट प्लस प्लस। बंदी बटा ली तूने। अबे ओ सुगेत्सु, मारना खा लियो ठीक है ना। अब इसके बाद बचता है नॉर्दर्न हाइडआउट का जू, पर वो बंदा थोड़ा सा पागल है, उसका दिमाग सटका हुआ है। लेकिन सास्के बोलता है कि फिर भी उन्हें उसकी जरूरत है। इसके बाद तीनों यहां से बाहर आ जाते हैं। सास्के उचिहा, तुम कितने कूल लगते हो, मैं महसूस कर सकती हूं तुम्हारा चक्र कितना शानदार है, मैं तुम्हें हक करना चाहती हूं। भाई क्या यार, हट यार। लेकिन ये चूजा क्या कह रही है? कुछ कुछ नहीं, बस तेरा चक्र मुझे परेशान कर रहा है सुगेत्सु, चला जाए यहां से। और इसके बाद तीनों नॉर्दर्न हाइडआउट की तरफ निकल पड़ते हैं। और इस तरफ हिडन लीफ विलेज के अंदर साकुरा दोपहर के वक्त नारुतो के पास आती है और नारुतो रामेन खाते हुए दरवाजा खोलता है। हाँ साकुरा, बोलो। साले नारुतो, जब देखो रामेन खाता रहता है, कुछ और नहीं खा सकता है। पर साकुरा तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? सुबह आइए हैं, 12 बज रहे हैं, लेडी सुनाडे ने हमें ऑफिस बुलाया है, जल्दी चलो। नारुतो और साकुरा हुक आगे ऑफिस जाते हैं और देखते हैं कि जिराया सेंसेई यहाँ पर आ चुके हैं। अरे ठरकी सानिन, तुम वापस आ गए। ओ नारुतो, आ गया मैं वापस, तुम्हें मिले हुए काफी वक्त हो गया। अरे ठरकी सानिन, तुम्हें पता है मैंने एक खतरनाक जुत्सु सीखा है, रासेंगन से कहीं ज्यादा बेहतर। और अच्छा नारुतो, फिर तो तुम्हें देखना पड़ेगा। और जिराया सेंसेई नारुतो को बताते हैं कि ओरोचिमारु मर चुका है, सास्के उचिहा ने उसे मार दिया है। नारुतो बोलता है, अरे वाह सास्के ने बिल्कुल सही किया, ओरोचिमारु के साथ ऐसा होना ही था, तो इसका मतलब है सास्के विलेज वापस आ रहा है ना। और जिराया सेंसेई बोलते हैं कि शायद से नहीं, नारुतो सास्के का एक और मकसद बचा है और वो है इताची उचिहा को मारना। और इस तरफ सास्के, सुगेत्सु और कारिन नॉर्दर्न हाइडआउट में पहुंच जाते हैं। और कारिन बताती है कि नॉर्दर्न हाइडआउट के सारे कैदी ओरोचिमारु के कर्स्ड साइन से पीड़ित हैं और यहां के कैदी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और उस साइन की वजह से बेकाबू हो जाते हैं। और उनमें से एक ऐसा भी है जो कि बेकाबू होने के बाद बिल्कुल राक्षस जैसा बन जाता है। और इस तरफ हाइडआउट में हम उसी बंदे को देखते हैं जू को एक ही बात दूर आ रहा होता है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा मेरे हाथ मारा जाएगा, मैं मार डालूंगा उसे। चिमिमारु मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, जो कोई भी दरवाजा खोलेगा मैं उसे मार डालूंगा। ये तीनों उस हाइडआउट की तरफ पहुंच जाते हैं और इस तरफ ये देखते हैं कि यहां पर कोई भी गार्ड नहीं होता है, जिसका मतलब है कि यहां पर मौजूद सभी कैदियों ने गार्ड्स को मार दिया है ओरोचिमारु की मौत की खबर को सुनकर। और तभी यहां पर एक कैदी आ जाता है और किसी राक्षस की तरह दिख रहा होता है, पर सास्के एक ही झटके में उसका काम तमाम कर देता है। पर तभी वो देखते हैं कि सारे कैदी ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं और सबके सब कष्ट साइन से पीड़ित हैं। यार क्या मुसीबत है, कारिन इन सभी में से जूको कौन है? इनमें से कोई नहीं है सास्के। तो ठीक है सुगेत्सु, इन्हें मारना मत, सिर्फ घायल करना। जो हुक्म सास्के सर, मैं आपका गुलाम ही तो हूँ, आप लोग जाइए यहाँ से, मैं संभालता हूँ इन्हें। अब सास्के कुछ कैदियों को जख्मी करने के बाद कारिन के साथ हाइड आउट के अंदर चला जाता है और इन सभी को बाहर सुगेत्सु संभाल रहा होता है। और इस तरफ कारिन सास्के का हाथ पकड़कर उसे जूको के पास लेकर जाने लगती है। ओए कारिन मेरा हाथ छोड़, मैं खुद चल सकता हूँ ठीक है ना, बच्चा नहीं हूं मैं। और इस तरफ उस सेल के अंदर जूको सोच कर पागल हो रहा है। लड़का लड़की नहीं, क्या फर्क पड़ता है, जो कोई भी होगा अगर दरवाजा खुला तो मैं उन्हें मार डालूंगा, मैं उसे कुचल कर रख दूंगा। कारिन और सास्के उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंदर जूको है। और सास्के जैसे ही दरवाजा खोलता है तो जूको पागलों की तरह उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे दीवार के अंदर दबोच लेता है। ये तो शुरुआत है, तुम्हें मैं कुचल कर रख दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि सास्के ने अपने कष्ट साइन को अपनी बॉडी के अंदर फैला लिया है और इस खतरनाक हमले से बच चुका है। मेरी नकल करता है तू, नहीं बचने वाला। और सास्के बोलता है, जूको मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। हाँ पता है मुझे, तू है कौन बे? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। सास्के कोई फायदा नहीं, ये किसी की नहीं सुनता। हाँ इस लड़की ने सही कहा, मैं किसी की नहीं सुनता। लेकिन जूको इस बार तुम्हें सुनना होगा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। मुझे बाहर लेकर जाओगे? चिमिमारु के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और ऐसा बोलकर सास्के पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन सास्के उसके सारे हमलों को डॉच कर लेता है। पर जूको के हमले से ये जगह बर्बाद होने लग जाती है और तभी सुगेत्सु यहाँ पर आ जाता है। भाई क्या जगह ये, पता ही नहीं लगता कुछ, भूल भुलैया सी है। तुम्हें तो हमारे साथ आना ही नहीं चाहिए था सुगेत्सु। हाँ वैसे ये तो तुमने सही कहा, तुम्हें सास्के के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिल जाता, मैं तो कबाब में हड्डी हूँ ना। अरे ओ पागल हट, तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा सुगेत्सु, पेट फट जाएगा ठीक है ना। इस तरफ जूको के हमले के कारण ये जगह धीरे धीरे टूटना शुरू कर देती है और तभी सुगेत्सु सास्के और जूको के बीच में आ जाता है। अरे जरा देखो कौन आया, मुझे पहचाना तुमने जूको? वैसे तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहे हो, क्या मुझसे लड़ना चाहोगे? मूड में लग रहे हो, कड़ी टक्कर देने वाले हो लग रहा है। सास्के तुम पीछे रहना इस पर। क्या ये सास्के है? और सास्के सुगेत्सु से कहता है, सुगेत्सु हम यहाँ पर फाइट करने नहीं आए हैं, मुझे इससे बात करने दो। पर ये दोनों सास्के की बात नहीं सुनते और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। मैंने कहा ना रुक जाओ। सुगेत्सु और जूको आपस में फाइट करने लग जाते हैं, पर तभी सास्के ओरोचिमारु की ताकत का यूज करता है और इन दोनों को बहुत आराम से रोक लेता है। क्या तुम दोनों चाहते हो मैं तुम दोनों का खून कर दूं? बस बहुत हो गया तुम्हारा। कारिन सास्के को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, लेकिन सुगेत्सु बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मैं महसूस कर सकता हूँ इसकी खून की प्यास को। दरअसल जब ओरोचिमारु ने सास्के के साथ उस रिचुअल को परफॉर्म किया था तो उसके अंदर जो बदला लेने की भूख है वो उसकी ताकत बन जाता है और इसलिए ओरोचिमारु का रिचुअल उल्टा पड़ जाता है और ओरोचिमारु सास्के के अंदर कैद हो जाता है। और अब सास्के ओरोचिमारु की ताकतों का यूज भी कर सकता है और जूको देखता है कि सास्के उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसे लगता है कि वो
जबरदस्ती उसे ले जाएगा, इसलिए जुगो जल्दी से अपने आप को एक सेल के अंदर कैद कर लेता है। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अरे यार ये क्या बंदा है, कितना कमजोर है ये। मैं किसी को नहीं मारना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। सास्के भाई क्या करे यार, ये तो ड्रामे कर रहा है भाई। और कारिन बोलती है कि जुगो एक अच्छा लड़का था, लेकिन ओरोचिमारू और काबुटो ने इस पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि ये एक दरिंदा बन चुका है। और तभी हम जुगो की बैक स्टोरी को देखते हैं। जब ओरोचिमारू जुगो को बाकी सब की तरह श्रापित निशान देता है तो जुगो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और इसीलिए वो कभी कभी अपना आपा खो देता है। पर जुगो असल में बहुत ज्यादा अच्छा और नेक इंसान होता है, उसे जानवरों से प्यार है और जानवर भी जुगो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और किमीमारू और ये जुगो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और किमीमारू हमेशा जुगो की सपोर्ट करता था और उसके साथ रहता था। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और सास्के बोलता है जुगो ओरोचिमारू मर चुका है और अगर तुम इस सेलर में बंद रहोगे तो भूख से मारे जाओगे। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं किसी और को चोट पहुंचाऊं, इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाता हूं भूख से। अरे जुगो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा रक्षक बनने के लिए भी तैयार हूं, तुम्हें बिना चोट पहुंचाए मैं तुम्हें रोकूंगा। क्या कहा तुमने? तभी जुगो दरवाजा खोलकर बाहर आता है और सास्के की टीम पूरी हो जाती है और चारों उस हाइड आउट से बाहर आ जाते हैं। और अब सास्के इन सभी को अपना मकसद बताता है। हां तो सब लोग सुनो मेरी बात, अकात्सुकी का एक मेंबर जिसका नाम है इताची उचिहा, मेरा मकसद उसे जान से मारना है। मुझे लगा ही था। सास्के लेकिन वो तो तुम्हारा भाई है ना? सास्के बोलता है हां मैं जानता हूं कारिन, वो मेरा भाई है, पर आज से यही इस टीम का मकसद होगा इताची उचिहा को मारना। और आज से बल्कि अभी से हमारी टीम का नाम होगा टीम हेबी और टीम हेबी का एक ही मकसद है इताची उचिहा की मौत। और इस तरफ हिडन लीफ विलेज के अंदर नारुतो लेडी सुनाडे से कहता है, लेडी सुनाडे अगर हम पहले इताची उचिहा को मार डालें तो हम सास्के को पकड़ सकते हैं, हमारा मकसद होगा इताची उचिहा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इताची और किसामे लैंड ऑफ अर्थ के हिडन स्टोन विलेज में घुसकर फोर टेल जिनचुरिकी को हराकर उसे पकड़ लेते हैं। क्या कमाल की ताकत है इसकी, इन जिनचुरिकीज को बिना मारे पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। लो अभी मनहूस बारिश भी शुरू हो गई। हां ऐसा लगता है तूफान आने वाला है। इताची चलो किसी पेड़ के नीचे जाकर छुप जाते हैं वरना तुम्हें जुकाम हो जाएगा। हां किसी सेफ जगह पर जाकर पेन को संदेश देते हैं, किसामे इसका अच्छे से ध्यान रखना, अगर ये मर गया तो किसी काम का नहीं। हां वैसे ये बात तो तुमने सही कही, वैसे इसका नाम है क्या, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी ये मरने वाला है। हां बेचारा। इसके बाद सारे अकात्सुकी होलोग्राम्स के सहारे यहां पर इकट्ठा होते हैं। किसामे इताची तुम दोनों लेट हो। देखिए लेडर जी ये फोर टेल जिनचुरिकी बहुत ज्यादा ही ताकतवर था, इताची तो कुछ करता ही नहीं है, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। मुझे एक बहुत जरूरी जानकारी मिली है, ओरोचिमारू मर चुका है। क्या बात कर रहे हो, वो सांप मर गया? अरे यार उसे मरते हुए देखने में मजा आता। इस समय हिडन और काकाजो हमारे साथ ही थे तो कृपया करके उन दोनों के लिए ऐसा मत कहो। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हाँ तो उस नागिन को मारने वाला सांप है कौन? सास्के उचिहा ने उसे मार डाला। देदरा बोलता है अरे यार उस ओरोचिमारू को मैं मरना चाहता था, उस सास्के को उसकी कीमत चुकानी होगी। और तभी ओबीटो बोलता है अरे देदरा सर उसे हराना आपकी बस की बात नहीं, वो आपको मार डालेगा। टोबी अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं। अरे भैया जी कंट्रोल कीजिए नहीं तो आप कभी भी बढ़ जाएगा। टोबी तेरी ऐसी की तैसी। देदरा शांत रहो और टोबी तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, हमेशा अपने बड़ों की इज्जत किया करो। ओके लीडर जी कुछ भी कहो, तुम्हारा छोटा भाई तो कमाल का निकला इताची। और ब्लैक जेट्स बोलता है सुनने में आया है कि उसने अपनी एक टीम भी इकट्ठा कर ली है जिसके अंदर खतरनाक निंजास हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? और तभी पेन बोलता है गाइस इसका नाम पेन है या नगाटो है कि उनमें से एक सुगेत्सु भी है और दूसरे का नाम है जुगो। इताची इस समय तुम्हें अभी उनका ध्यान रखना होगा, मुझे लगता है तुम दोनों उसके टारगेट में रहोगे। साथियों वक्त बीतता जा रहा है, वो टेल बीस्ट को सील करने की प्रक्रिया अब शुरू होती है। और तभी नागाटो उस गैडोस स्टैचू को समन करता है और सभी लोग इकट्ठा होकर टेल बीस्ट सीलिंग प्रोसेस को अंजाम देते हैं। इस तरफ सास्के की नई टीम टीम है भी एक विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। ये विलेज बिल्कुल सुनसान होती है। अरे यार सास्के हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, कुछ बताओ तो सही। वॉर्स के दौरान मेरे उचिहा कबीले के लोगों ने हथियारों को छुपाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया था। और तभी दो प्यारी प्यारी कैट्स यहाँ पर आ जाती है और ये दोनों बिल्लियाँ सास्के को जानती है बचपन से ही। और सास्के और ये तीनों इनके घर की मालकिन के पास जाते हैं और यहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है और इन सभी को कपड़े दवाई और कुछ हथियार देती है जो भी कुछ सास्के को चाहिए था। और सास्के इस बूढ़ी औरत को बोलता है दादी मैं आपका एहसान मंद हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दादी बोलती है सास्के ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, पर क्या तुम सच में वो करने जा रहे हो? हाँ दादी मैंने इसके बारे में सोच लिया है। उचिहा कबीले में सिर्फ दो ही बच्चे हैं, तुम और तुम्हारा भाई, लेकिन उस युद्ध के बाद तुम दोनों में से सिर्फ एक ही बच पाएगा। मैं जा रहा हूँ दादी, इन सभी के लिए आपका शुक्रिया। अपना ध्यान रखना सास्के बेटा। और यहाँ पर हिडन विलेज के अंदर सभी लोग प्लान्स बना रहे होते हैं और एक क्यूटी लेडी सुनाडे बोलती है ठीक है नारुतो हम इताची पर फोकस करेंगे, पर इताची कोई मामूली आदमी नहीं है, वैसे मैंने सभी टीम्स को हुक्म दे दिया है अगर कोई अकात्सुकी यहाँ पर आता है तो वो उसे दबोच लेंगे। और तभी काकाशी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ लेडी सुनाडे लेकिन अभी बात इताची की है, ये पिछले मिशन से बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। पर काकाशी सेंसे मैं इस तरह से हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता। नारुतो हमें इताची को पकड़ना है किसी बिल्ली को नहीं समझे, हमें एक काबिल टीम चाहिए। और जिरायसन से बोलते हैं काकाशी ठीक है मान लो हमने इताची को पकड़ भी लिया तो उसके बाद क्या? और काकाशी सेंसे बोलते हैं कि इनके पास एक आइडिया है बस इन्हें थोड़ा सा समय चाहिए। और आखिरकार पूरे तीन दिन के बाद मिशन इताची और सास्के को करने के लिए एक टीम इकट्ठा होती है। काकाशी बोलते हैं नारुतो हम सभी लोग तीन दिन के स्क्वाड्स में बंट जाएंगे, हमें उनके टीम वर्क को कमजोर करना होगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, मौसम थोड़ा
ठीक नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी हम जाने के लिए तैयार हैं। बारिश हो रही है भाई, इधर भी बारिश हो रही है अभी। और लेडी सुनारे बोलती है, ठीक है मैं तुम सभी को हुक्म देती हूँ, तुम सभी को इताची और सास्के को जिंदा पकड़कर यहाँ पर लेकर आना है। अब जाओ सब यहाँ से। अब काकाशी सेंसे की नई टीम हिडनली विलेज से बाहर निकलकर एक छोटे से विलेज के गेट के ऊपर जाकर इकट्ठा होते हैं और काकाशी सेंसे बोलते हैं, ठीक है अब हमारा मिशन शुरू होता है। जैसा कि तुम सभी को पता ही होगा कि टेल बीस्ट को पकड़ना अकात्सुकी की पहली प्रायोरिटी है, और ऐसी खबर मिली है कि उन्होंने थ्री टेल और फोर टेल के जिनचुरिकीज को पकड़ लिया है और उनके अंदर से टेल बीस्ट निकाल चुके हैं। और एक खबर हमें मास्टर जिराया से मिली है, ऐसा मुमकिन है कि वो नारुतो को पकड़ने के लिए लैंड ऑफ फायर के अंदर घुस चुके होंगे। वैसे इताची उचिहा हमारे ही विलेज का है, या था 3 साल पहले वो विलेज के अंदर वापस आया था, पर तब नारुतो के साथ मास्टर जिराया थे, इसलिए इताची उसे पकड़ने में नाकामयाब हो गया। और नारुतो बोलता है, सास्के सास्के भी इताची के पीछे है, इस बार मैं नाकाम नहीं हो सकता, मैं किसी भी तरह से सास्के से मिलकर रहूंगा। हाँ तुमने सही कहा नारुतो, तो हमारा प्लान कुछ इस तरह का होगा। ये जगह हम सभी के लिए एक सेंट्रल पॉइंट है और अब हम सभी लोग चारों दिशाओं में 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर फैल जाएंगे। अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम लोग 5 और किलोमीटर आगे तक देखेंगे। और काकाशी सेंसे समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं और अपनी डॉग टीम को समन करते हैं, जिसके अंदर हमारा फेवरेट पाकुन भी है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसमें मेरी आवाज वायरलेस रेडियो से भी ज्यादा आगे जाती है, हम लोग दूर होते हुए भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और हमारी नाक बहुत ज्यादा शार्प है, खतरे को तुरंत पहचान लेती है। और काकाशी इन सभी को समझाता है कि अब एक बंदे के साथ 2 कुत्ते मिलकर काम करेंगे। और काकाशी सेंसे कितना बोलते ही सभी डॉग्स 2-2 करके टीम मेंबर्स के साथ जाकर मिल जाते हैं, पर नारुतो के साथ नहीं होते। और काकाशी सेंसे बोलते हैं कि नारुतो एक जिनचुरिकी है, इसलिए अकात्सुकी सबसे पहले नारुतो को ही टारगेट बनाने वाले हैं और इसके ऊपर डायरेक्ट हमला हो सकता है, इसलिए हिनाटा और कैप्टन यामाटो नारुतो के साथ रहेंगे। और पाकुन बोलता है, अगर तुम चाहो तो इस बुलडॉग को अपने साथ रख सकते हो। ठीक है मैं समझ गया। और नारुतो कीबा के पास पहले से ही अकमरु है, तो मैं और पाकुन उसके साथ जाने वाले हैं। कीबा भी यहाँ पर होता है, तो देर किस बात की है, चलो चलते हैं। और हाँ सबसे जरूरी बात, तुम सब इताची और सास्के की स्मेल का पीछा करोगे, और अगर तुम उनमें से किसी एक को ढूंढ लेते हो तो उस जगह को आइडेंटिफाई करके वापस इस जगह पर आ जाओगे। खासकर तुम नारुतो, उन्हें देखकर उनके पीछे मत चले जाना। हाँ मैं जानता हूँ काकाशी सेंसे। हाँ तो ठीक है बिखर जाओ। और सभी लोग 3-3 की टीम्स में बंटकर यहाँ से चले जाते हैं। और इस तरफ टीम हैवी भी पहुँच जाती है और ये चारों भी अलग अलग होकर इताची को ढूंढने में लग जाते हैं। और इसी विलेज के एक दूसरी जगह पर अकात्सुकी टोबी और देईदारा भी पहुँच जाते हैं। टोबी बिल्कुल सही समय पर आ गए। और टोबी बोलता है, अरे भैया अब किसका पीछा करना है, सास्के या नाइनटेल का, मुझे घूमने जाना है। और अभी नारुतो जहाँ पर है उसके ठीक ओपोजिट साइड पर सास्के है और दोनों तरफ उनका पीछा हो रहा है। यहाँ पर कैप्टन यामाटो जान जाते हैं और हिनाटा और नारुतो को बोलते हैं, नारुतो हमारा पीछा किया जा रहा है। हाँ मैं जानता हूँ यामाटो सेंसे। तभी कैप्टन यामाटो पीछे शुरिकेन्स को फेंकते हैं और ये बंदा इनके सामने आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि काबुटो होता है। नारुतो ये देखकर शॉक हो जाता है, काबुटो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और कैप्टन यामाटो भी पूछते हैं, काबुटो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और काबुटो बोलता है कि उसे नारुतो से कुछ बात करनी है। कैप्टन मुझे नारुतो से कुछ बात करनी है। हे काबुटो सास्के कहाँ पर है, तुम्हें पता होगा। होगा यहीं पर, मुझे क्या पता भाई, मैं नहीं जानता। क्या ये सच नहीं कि सास्के ने ओरोचिमारु को मार डाला है। और काबुटो बोलता है, हाँ कुछ लोग मानते तो हैं ऐसा, पर ये सब छोड़ो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है। ये किताब बहुत ज्यादा खास है, इसमें अकात्सुकी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, ये लो देखो इसे। लेकिन नारुतो को समझ में नहीं आता कि काबुटो इसकी हेल्प क्यों कर रहा है। और काबुटो बोलता है, हाँ वो इसलिए क्योंकि ये ताकत पाने के बाद मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मैं ओरोचिमारु से आगे निकल जाऊंगा। भाई क्या कर लिया इसने खुद के साथ, ये ओरोचिमारु जैसा कैसे लग रहा है भाई। कैप्टन यामाटो ये देखकर हैरान रह जाते हैं, काबुटो तुमने क्या किया अपने साथ। और काबुटो बोलता है, अरे यार ये क्या बात हुई, अब मैं खुद के साथ भी कुछ नहीं कर सकता, पुनर्जन्म है ये ओरोचिमारु का, एक नए काबुटो के रूप में मैंने ओरोचिमारु के डीएनए को अपने अंदर मिला लिया और कुछ टाइम बाद मैं ओरोचिमारु से ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और कैप्टन यामाटो और नारुतो काबुटो पर हमला कर देते हैं और उसे दबोच लेते हैं, लेकिन काबुटो उन दोनों के चंगुल से भाग जाता है। इस तरफ जहां पर सास्के है उसे नोटिस हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तभी टोबी इसके सामने आ जाता है। अरे तुम तो सास्के उचिहा हो ना। हाँ तुम्हारे कपड़े, तुम अकात्सुकी हो ना, और तुम सास्के हो ना, तुम बिल्कुल इताची की तरह दिखते हो। और ऊपर से देईदारा एक्सप्लोसिव क्लेज को सास्के के ऊपर फेंक देता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इन्हें लगता है कि सास्के मर चुका है। देखा तो भी हमने कर दिखाया। अरे देईदारा आप तो कमाल के हो, बिल्कुल लाजवाब। पर सास्के के पास ओरोचिमारु की ताकत है, इसलिए सास्के एक बहुत बड़ा सांप का कवच बनाकर खुद को बचा लेता है। ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो रहा है, भाग जाए यहाँ से, मौका यार, पतली गली से निकल लेते हैं। ओए तो भी चुप हो जा तू, पर ये बहुत ताकतवर है भैया। हाँ ओरोचिमारु को जो मारा इसने, ताकतवर तो होगा ही लेकिन मेरे सामने नहीं। और अब सास्के और देईदारा आमने सामने हो जाते हैं। सास्के अपने शारिंगान को एक्टिव कर देता है। ओए तो ये देख कैसे आंखें दिखा रहा है हमें, लगता है इसे इसकी जिंदगी प्यारी नहीं। चलो भैया इसे दिखा देते हैं। तुम दोनों अकात्सुकी से हो ना, मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, कहाँ है इताची उचिहा, तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा कर रखा है, मुझे बता दो और मैं तुम दोनों को जाने दूंगा जिंदा। और देईदारा बोलता है, अपनी आंखें नीचे रख ले, मैं कौन हूँ, शायद तुम भूल गए हो। मैं अपने सवाल को फिर से दोहराता हूँ, कहाँ है इताची उचिहा, अगर जिंदा रहना है तो मुझे बता दो। सास्के तुम बस एक गधे हो, समझे तुम बस गलती से उचिहा कबीले में पैदा हो गए। सास्के अपनी शारिंगन आंखों से देईदारा को बहुत देर तक घूरता रहता है और देईदारा इसकी वजह से बुरी तरह से चिढ़ जाता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब अकात्सुकी के अंदर देईदारा नहीं था। दरअसल कुछ सालों पहले जब देईदारा अकात्सुकी का एक मेंबर नहीं था, तब इताची किसामे और सासुरी हिडन स्टोन विलेज में उसके ठिकाने पर जाते हैं उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए।
और देदारा इन तीनों को बोलता है, क्या अकात्सुकी ये क्या है, मेरे मकसद में टांग मत अड़ाओ। और सासुरी बोलता है, लेकिन मुझे लगा था हम अच्छे साथी बन सकते हैं इताची, लगता है ये लड़का मरना चाहता है अपनी जवानी में ही। और इताची बोलता है, सासुरी शांत हो जाओ, हमारे लीडर का हुक्म है, हमें इसे जिंदा लेकर जाना है चाहे हमें जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। क्या जबरदस्ती करोगे तुम लोग, तुम जानते हो मैं कौन हूँ और मैं कितना ताकतवर हूँ। हाँ हम जानते हैं, इसलिए तो तुम्हें हमारे साथ मिलाने के लिए आए हैं यहाँ पर, तुम वही बॉम्ब बनाने वाले गुंडे हो ना। और देदारा बोलता है, ये देखो इस किले से मैं इतना बड़ा धमाका कर सकता हूँ कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते, और यही है मेरी असली कला। और सासुरी बोलता है, क्या बकवास है ये, हमारी टीम के लिए इस चूजे को चुना है। हाँ सासुरी यकीन नहीं हो रहा ना, पर ऐसा ही है। और इताची बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मैं ही इसका सामना करता हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। हाँ मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ, अगर मैं जीता तो तुम्हें अकात्सुकी में आना पड़ेगा। मैं नहीं जानता तुम कौन हो लेकिन मेरी कला सबसे महान है। देदारा अपनी क्ले को इताची के ऊपर फेंक देता है और बहुत बड़ा धमाका कर देता है, पर इताची इसे डॉज कर लेता है। तभी जमीन के अंदर से एक और क्ले निकलती है, इताची को दबोच लेती है। हाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हो गया तुम्हें अब, तो क्या यही है तुम्हारी ताकत, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। देदारा तुम्हें एक बार खुद के आसपास देखना चाहिए, क्या मतलब है तुम्हारा। और तभी देदारा देखता है कि वो खुद की ही क्ले से फंस चुका है। ये क्या हुआ, ये कैसे, अरे सासुरी तुमने सही कहा था, ये लड़का मरने वाला है, ये गेंजुत्सु है, पर तुमने मुझ पर कब यूज किया, मैं इसमें कैसे फंस गया। अरे लड़के जब तुमने इताची की शारिंगन आंखों में देखा था तुम उसी वक्त से इताची के गेंजुत्सु में फंस चुके थे। और तभी देदारा देखता है कि जिस खिड़की से रोशनी आ रही होती है वहां पर इताची उच्चिया खड़ा हुआ है, और इस नजारे को देखकर देदारा चौंक जाता है और बोलता है, वाह ये कितना खूबसूरत है, यही है असली कला। ये क्या हो गया मुझे, ये कला नहीं, असली कलाकार सिर्फ मैं हूँ, देसी कलाकार यार तेरा सुपरस्टार। और इताची बोलता है, देदारा अकात्सुकी में तुम्हारा स्वागत है। और तभी हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, और तभी पूरी तेजी से सास्के देदारा के पास पहुंचकर उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन देदारा उसे डॉज कर लेता है, और सास्के की ये तलवार टोबी की लग जाती है और टोबी नीचे गिर जाता है। एक तो गया अब सिर्फ तुम बचे हो। और तभी टोबी फिर से खड़ा हो जाता है, और देदारा बोलता है, अरे यार टोबी क्या कर रहे हो तुम, अपना ध्यान मत भटकाओ ठीक है ना। अरे यार ये सास्के कितना तेज है आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं इससे नहीं जीत सकता, सास्के सोचने लग जाता है। भाई ये कैसे हो सकता है, सास्के की तलवार बराबर इसे लगी थी लेकिन फिर भी किसी तरह से टोबी जिंदा बच चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है। देदारा सास्के के ऊपर बहुत सारे क्ले इंसेक्ट्स को फेंकता है उसे धमाके से उड़ाने के लिए, पर तभी सास्के अपने लाइटिंग स्टाइल जुत्सु का यूज करके उन क्लेस को रोक देता है। देदारा धमाका करने की कोशिश करता है पर एक क्ले फटती नहीं है, दरअसल देदारा का क्ले वाला जुत्सु अर्थ स्टाइल जुत्सु है और लाइटिंग स्टाइल के आगे अर्थ स्टाइल पूरी तरह से फेल है, इसलिए ये क्ले धमाके से नहीं फटी। और तभी सास्के अचानक से देदारा के बिल्कुल पीछे आ जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है, पर देदारा के पास एक और क्ले होती है और उसे सास्के के ऊपर फेंक कर धमाका कर देता है। ये देखकर टोबी बोलता है, अरे देदारा भैया ये क्या हो गया, माना कि वो थोड़ा सा है पर मरना तो नहीं चाहिए था, अच्छा इंसान था मेरा देदारा, देदारा सर मैं आपको कभी नहीं भुला सकता। और तभी देदारा यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, अबे वो बस का ठीक है ना नोटंकी, ड्रामे करवा लो तेरे से बस। भैया आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं, और ये सास्के भी ठीक है। और सास्के अपने मन में सोचता है, तो इसके पास धमाका करने की काबिलियत है, मैंने जितना सोचा था ये उससे कई ज्यादा ताकतवर निकला। और इसके बाद देदारा अपनी क्ले का यूज करके एक बहुत बड़ा ड्रैगन बनाता है, पलक झपकते ही, भैया ये क्या है, सीटू ड्रैगन। टोबी तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है ना। हाँ जी पाजी आई नो, हम सास्के को मारने जा रहे हैं है ना। हाँ तुमने सही कहा टोबी। देदारा उस ड्रैगन के मुंह से बहुत सारी क्लेस बाहर निकलता है, सास्के ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, मुझे इनसे बचना होगा वरना बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। टोबी मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ जी पाजी। इन ड्रैगन्स को देखकर लगता है ये आसमान से मुझ पर हमला करेगा, ये अच्छा नहीं है। और देदारा बोलता है, सास्के उच्चिया अब तुम देखोगे मेरी कला को। देदारा अपने ड्रैगन के मुंह से एक बड़े से पक्षी को सास्के के ऊपर फेंक देता है, सास्के बचने के लिए भागता है लेकिन देदारा उस बर्ड को धमाके से फोड़ देता है। सास्के तेज होता है इसलिए उसे कुछ नहीं होता, और तभी सास्के चिडोरी का यूज करके उसे इतनी दूर से ही उस बर्ड के ऊपर फेंकता है जिसके ऊपर देदारा खड़ा है। सास्के जब चिडोरी फेंकता है तो देदारा आसमान में उड़ जाता है और सास्के की चिडोरी की रेंज से आगे बढ़ जाता है। क्या बात है, लगता है इसका हमला 5 मीटर से ज्यादा आगे नहीं जा सकता। अरे शिट यार, उसने मेरी टेक्निक को पहचान लिया। और देदारा बोलता है, हाँ तो सास्के अब अगले धमाके के लिए तैयार हो जाओ। देदारा फिर से उस पर कुछ एक्सप्लोसिव बर्ड्स को फेंकता है, सास्के उससे बचने के लिए दूर भागता है पर तभी उसका पैर एक ऐसी जगह पर पड़ जाता है जिससे एक बहुत जबरदस्त धमाका होता है। दरअसल वो जो छोटे छोटे क्लेस देदारा के मुंह से निकले थे, मतलब कि उसके बर्ड के मुंह से, वो सारे के सारी लैंड माइंस हैं और टोबी ने पूरी जगह पर लैंड माइंस बिछा दी हैं। देदारा को लगता है कि सास्के का काम खत्म हो चुका है पर सास्के ने अपने कर्स्ट साइन का यूज करके इस धमाके को झेल लिया है, पर सास्के का एक पंख जल चुका है और सास्के समझ चुका है कि चारों तरफ माइंस बिछ चुकी हैं। और तभी सास्के दूर एक जगह पर अपनी तलवार को फेंकता है और एक छलांग लगाकर उस तलवार के ऊपर खड़ा हो जाता है और ऊपर देदारा की तरफ एक और छलांग मारता है। और अब देदारा सास्के की चिडोरी की रेंज में आ चुका है, सास्के बिना टाइम वेस्ट किए अपनी चिडोरी का यूज करके उस ड्रैगन के पंख को काट देता है। ये देखकर टोबी हैरान हो जाता है और सास्के एक स्ट्रिंग का यूज करके दो बहुत बड़े बड़े शुरिकेंस को देदारा की तरफ फेंक देता है और देदारा के दोनों हाथों को जख्मी कर देता है और उसके ड्रैगन का एक पंख कटने की वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर लैंड माइंस बिछे हुए हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और टोबी ये देखकर हैरान हो जाता है, अरे देदारा बाजी तुसी मर गए। और सास्के ओरोचिमारू की टेक्निक का यूज करके खुद को बचा लेता है और वापस से नॉर्मल हो जाता है। तभी सास्के टोबी को देखता है और टोबी चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा होता है, देदारा
पापाजी आप जिंदा हो। और देदारा बोलता है चुप हो जाओ टॉबी, बहुत बोलता है तू। भैया आप जिंदा हो। सास्के की वजह से देदारा के दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं और देदारा को सास्के पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। साले सास्के, तूने मेरे हाथ काट दिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये आंखें निकाल दूंगा इन्हें। नहीं, मैं तुमसे हार नहीं सकता। लगता है C3 गरुड़ा का यूज करना पड़ेगा। इसे मैंने इताची के लिए बचा कर रखा था, लेकिन लगता है अब इसे तेरे ऊपर यूज करना होगा। कोई बात नहीं। देदारा एक बहुत बड़ी क्ले खा लेता है और देदारा उसे खाकर उल्टी कर देता है। इतनी ज्यादा उल्टी करता है कि उसकी उस क्ले से एक बहुत बड़ा देदारा का स्टैचू बन जाता है, जिसे देखकर सास्के हैरान हो जाता है। आखिर ये है क्या? और इस तरफ टोबी दुम दबाकर भागने लगता है। अरे भागो भैया, ये तो C3 गरुड़ा है, भागो। ये इतना बड़ा है, अगर ये फटा तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा, मुझे यहाँ से भागना होगा। और सास्के अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है और देदारा बोलता है देखो जरा कैसे भाग रहा है, चाहे कुछ भी करो पर मेरे C3 गरुड़ा से नहीं बच सकते तुम। सास्के अब तुम मरोगे। और देदारा का स्टैचू फूल कर फट जाता है, पर कोई धमाका नहीं होता। पर तभी सास्के नोटिस करता है कि उसके अंदर से कुछ गैस बाहर निकली है और उस गैस के अंदर जो भी आता है वो पूरी तरह से धूल में मिल जाता है। और सास्के के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आखिर कतरा डल गया, ये गैस बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और इस गैस के अंदर होते हैं छोटी छोटी क्लेज जो कि नैनोमीटर के साइज में होते हैं, 10^-9 में। और ये गैस की हेल्प से हर एक जीवित चीज में घुसकर उसे खत्म कर देते हैं। बेचारा सास्के, आखिरकार मैंने एक उचीहा को हरा दिया मैंने सास्के को। इताची उचीहा अब अगली तेरी बारी है। और तभी पीछे से सास्के यहाँ पर आ जाता है और अपने चिडोरी हाथ को देदारा के शरीर के आर पार कर देता है। देदारा ये देखकर हैरान हो जाता है। तुम जिंदा कैसे बच गए? ऐसा लगता है तुमने अपना सारा चक्र यूज कर लिया है। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? एक बात याद रखियो, मेरी शारिंगन आंखें सब कुछ देख सकती हैं। उस गैस के अंदर मौजूद उन नैनो पार्टिकल्स को भी मैंने देख लिया, और जिस चीज को मैं देख सकता हूँ मैं उससे बच सकता हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था, वो बस मेरा एक गेंजुत्सु था। ऐसा क्या? मैं सब कुछ समझ गया, मैंने तुम्हारे कमजोर हिस्से पर वार किया है। और अब मुझे बताओ कहाँ है इताची? और देदारा बोलता है मुझे सच में इताची का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो मुझे उस दिन गेंजुत्सु में नहीं फंसाता शायद आज के दिन के लिए मैं कभी तैयारी नहीं करता। और तभी सास्के देखता है कि ये असली देदारा नहीं बल्कि एक क्ले सब्स्टिट्यूशन होता है। असली देदारा क्ले बर्ड के अंदर छुपा हुआ है और बाहर निकलकर सास्के के पैरों को पकड़ लेता है। तुम बहुत शातिर हो, इस बार तुम नहीं बच पाओगे क्योंकि अब मैं फिर से C3 गरुड़ा का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सास्के देदारा अपने मुंह में रखा हुआ बचा हुआ क्ले निकालता है और सास्के को उसके अंदर पूरी तरह से फंसा देता है और खुद नीचे गिर जाता है। सास्के अपनी शारिंगन से देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी नैनो क्लेस घुस चुके हैं। और देदारा नीचे गिरते वक्त हैंड साइंस को बनाता है और उन सभी नैनो क्लेस को एक्टिवेट कर देता है और तभी जमीन के ऊपर धड़ाम से गिरता है। क्या मैं जीत गया? लगता तो है मेरी कला काम कर गई, मैं सच में जीत गया। पर इस बार भी नहीं, सास्के उसके पीछे आ जाता है। भाई मरता ही नहीं है सास्के, चल क्या रहे भाई ये? सास्के देदारा के पीछे आकर उसे एक जोरदार घूंसा मारता है और देदारा दूर जाकर गिरता है। ये क्या हो रहा है? मेरा C3 गरुड़ा ना काम कैसे हो गया? तुमने क्या किया इस बार सास्के? क्या तुम जान गए? हाँ अच्छी तरह से, तुम्हारे सारे जुत्सु अर्थ स्टाइल के हैं और मेरा लाइटनिंग स्टाइल है। मेरे आगे तुम कमजोर हो, मैंने उस कीड़े को बेअसर करने के लिए अपने ऊपर ही चिडोरी का यूज किया, नहीं तो यकीनन मैं मर जाता। अब मुझे बताओ इताची कहाँ पर है? और देदारा बोलता है सास्के सच कहूँ तो तुम भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, मेरी वजह से तुम्हारा चक्र भी कम हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक और चीज बची है, मेरा हुकुम का इक्का। मैं जीत गया सास्के और तुम हार गए, इस बार मेरी कला सच में तुम्हें खत्म कर देगी सास्के। देदारा मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इतना बता दो कि इताची कहाँ पर है। क्या तुमने कहा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? तुम दोनों भाई एक दूसरे को समझते क्या हो? ये आंखें मुझे परेशान करती है, मुझे ऐसा फील करवाती है जैसे मैं बेकार हूँ। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता सास्के, अपनी बकवास बंद करो देदारा और मुझे बताओ इताची कहाँ पर है। समझ गया मैं, मैंने तुम्हें भी कहा ना मेरे पास एक हुकुम का इक्का है, लगता है उसे यूज करने का टाइम अब आ चुका है। ये बोलकर देदारा अपनी शर्ट को उतार देता है और हम देखते हैं कि देदारा की छाती के ऊपर एक बहुत बड़ा मुंह है। सास्के ये देखकर हैरान हो जाता है और देदारा अपनी बची हुई क्ले को अपनी छाती को खिला देता है और उसकी बॉडी का रंग धीरे धीरे बदलने लग जाता है। और देदारा बोलता है सास्के उचीहा ये मेरी सबसे महान कला है, मैं खुद को तबाह कर दूंगा और मेरी मौत के साथ तुम्हारी मौत भी हो जाएगी। अभी जो धमाका होगा तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि किसी ने नहीं। अब तुम चाहकर भी नहीं भाग सकते क्योंकि ये धमाका बिल्कुल 10 किलोमीटर तक फैलेगा। अब तुम नहीं बच सकते सास्के, और मेरी कला विस्फोट है। देदारा पूरी तरह से एक काले से बॉम्ब में बदल जाता है और एक जबरदस्त धमाके के साथ वो बॉम्ब फटता है। ये धमाका इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ऐसा लगता है कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पर फट चुका है। सास्के और तोबी इसके अंदर पूरी तरह से फंसे होते हैं। इस धमाके को टीम काकाशी और हिडली फिलिज के सभी लोग भी देखते हैं और देदारा की मौत हो जाती है। काकाशी सेन से उस धमाके को देखकर समझ जाते हैं कि ये जरूर देदारा ने किया होगा और कारिन भी इसे देखकर तुरंत चाकरा सेंस करने लगती है सास्के का, लेकिन कारिन को सास्के का चाकरा नहीं मिलता और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और इस तरफ सुगेत्सु भी इस धमाके को देखता है और सबसे पहले स्नेक समनिंग कॉन्टेक्ट स्क्रोल को निकालकर उसे चेक करता है और उसमें से एक समनिंग स्नेक गायब हो चुका है। और इस नजारे को सभी लोग देखते हैं। जेत्सु और जुगो भी सुगेत्सु एक समुद्र के किनारे पहुंचकर एक स्क्रोल के अंदर सास्के का खून डालता है और उसे यहां पर समन करता है। और तभी ओरोचिमारु का एक बहुत विशाल सा सांप यहां पर समन हो जाता है और उसके मुंह के अंदर से निकलता है सास्के। सास्के का बहुत बुरा हाल हो चुका है। सास्के तुम्हें क्या हुआ और तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो? तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे काबू किया, मैं तुम्हें। और ऐसा बोलकर ये सांप मर जाता है। अरे ये तो मांडा है ना, ओरोचिमारु का पालतू सांप, तो ये
भी मर गया। वैसे तुमने किया क्या सास्के? हाँ, एक अकात्सुकी से मेरा सामना हुआ अभी और मुझे मारने के लिए उसने खुद को एक्सप्लोड कर दिया। उससे बचने के लिए मुझे मांडा को समन करना पड़ा ताकि उसके अंदर रहकर अपनी जान बचा सकूं, और इसीलिए मैंने शाम को अपने गेंजुत्सु से कंट्रोल किया। तभी जूको और कारिन भी यहाँ पर आ जाते हैं। सास्के तुम ठीक हो? आखिर यहाँ पर हुआ क्या? ज्यादा कुछ नहीं, बस इसका पला एक अकात्सुकी से हो गया और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पर सास्के तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई भाई? चाहे कुछ भी हो पर सास्के कितना हॉट लग रहा है। वो अकात्सुकी मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकला। सास्के कितनी शर्म की बात है, तुम खुद को वो शख्स कहते हो जिसने ओरोचिमारु को मारा। कारिन ओरोचिमारु तब कमजोर था पर वो अकात्सुकी नहीं है, और हम देखते हैं कि जहाँ पर धमाका हुआ था यहाँ पर टीम काकाशी के सभी मेंबर्स पहुँच जाते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर सास्के मौजूद था, और इन डॉग्स के जरिए इन्हें पता चल जाता है कि सास्के यहाँ पर था, और ऐसा लगता है कि सास्के के साथ कुछ और लोग भी थे। और काकाशी सेंसेई बोलते हैं, मेरा शक सही निकला, ऐसा हो सकता है कि सास्के ने अपनी एक फोर्थ विंग की स्क्वाड बना ली है। सास्के के पास अभी एक टीम है नारुतो, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम फिर भी सास्के को ढूंढ निकालेंगे। पर यहाँ से सास्के की स्मेल गायब हो चुकी है, ये बहुत मुश्किल होगा। और तभी कीबा बोलता है, अरे नारुतो तुम चिंता मत करो, मेरी नाक इन डॉगी से भी ज्यादा तेज है, मैंने सास्के को ढूंढ निकाला है, मेरा पीछा करो। हाँ बहुत अच्छे कीबा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसके बाद हम अकात्सुकी के हाइडआउट को देखते हैं और यहाँ पर एक जरूरी मीटिंग के लिए सभी मेंबर्स इकट्ठा होते हैं। एक बहुत बुरी खबर है, दहीदारा मर चुका है, उसने धमाके से खुद को तबाह कर लिया। अरे यार एक और सदस्य कम हो गया, ओबिटो उसके साथ था ना, तो उसका क्या हुआ? हाँ वो भी मारा गया। और किसने मारा उसे, नाइनटेल या सास्के ने? इस बार सास्के था, पर ऐसा लगता है कि सास्के भी धमाके से मर चुका है। इताची तुम्हें उसका एहसान मंद होना चाहिए, वो तुम्हारी खातिर मरा है। फिलहाल इस मीटिंग को यहीं पर रद्द किया जाता है, मैं दहीदारा के लिए मौन व्रत रखना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं टोबी के लिए शोक मनाना चाहता हूँ। उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर लौट जाते हैं और हम देखते हैं कि जहाँ पर किसामे और इताची हैं यहाँ पर जबरदस्त बारिश हो रही है। इताची बारिश में भीग रहा होता है और किसामे बोलता है, इताची मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस बारिश में अपने आंसुओं को छुपा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई सास्के इस दुनिया से जा चुका है। और इताची बोलता है, नहीं किसामे वो जिंदा है, और इस जगह से बहुत दूर एक दूसरे विलेज जिसका नाम है रेन विलेज, यहाँ पर ऑलरेडी काले बादल आ चुके हैं। और फाइनली हम अकात्सुकी के लीडर पेन को देखते हैं। दरअसल इस बंदे के बहुत सारे नाम है, जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया था, पेन, नगाटो। और तभी एक लड़की यहाँ पर आती है और इसे बुलाती है, पेन। वो आ चुका है, पेन अंदर आता है और यहाँ पर एक और मिस्टीरियस आदमी बैठा हुआ है। तो उस नाइनटेल के बारे में क्या सोचा तुमने? और तभी ये मिस्टीरियस आदमी बोलता है, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम उसे पकड़ो, क्योंकि तुम अकात्सुकी के लीडर हो, तुम्हारे नाकाम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ गया मैं। पर एक और बात, नारुतो उज़ुमाकी कोई आम लड़का नहीं है, उसने काकासु को हरा दिया, वो भी एक ही हमले में। हाँ तो तुम पेन को कमजोर समझने की गलती मत करो, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अभी सिर्फ दो ही जिनचुरकीज बचे हैं, एट टेल और नाइनटेल। एट टेल को मैं देखता हूँ, नाइनटेल को तुम पकड़ो, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ये बोलने के बाद ये बंदा बाहर जाता है और हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि टोबी है। शारिंगन की असली ताकत मेरी ताकत है, मादरा उच्चीहा। और टोबी की शारिंगन आंखों को भी देखते हैं और ये बोलकर यहाँ से गायब हो जाता है। भाई साहब, और इस तरफ होकागे ऑफिस के अंदर मास्टर जिराया अचानक से आ जाते हैं। सुनाडे मुझे अकात्सुकी के ठिकाने का पता चल चुका है, वो रेन विलेज के अंदर रहते हैं। क्या मुझे और बताओ? हाँ जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें सारी जानकारी एक बार के अंदर दारू पीते हुए बताना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए, क्या बोलती है सुनाडे? क्या कहा तुमने? और इसके बाद ये लोग एक बार में जाते हैं और जिराया सेंसेई इसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं अकात्सुकी के बारे में। सुनाडे देखो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, अकात्सुकी का लीडर रेन विलेज के अंदर है। अकात्सुकी का लीडर वहाँ पर कर क्या रहा है? ये बात तो पता नहीं, पर वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, और मैंने ऐसा भी सुना है कि वहाँ पर सिविल वॉर चल रही थी। जिराया जहाँ तक मैं जानती हूँ वो जगह अर्थ विंड और फायर के बीच में घिरी हुई है, और बहुत समय से वो जगह एक लड़ाई के मैदान के रूप में देखी जाती है, इसलिए विलेज का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसलिए सुनाडे मैं वहाँ पर जाऊँगा, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। नहीं जिराया तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते, ये एक सुसाइड होगा। मैं तुम्हारी तरह एक लेजेंडरी सानिन हूँ, भूलो मत सुनाडे, अगर हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जान ले तो हम उन पर प्लान बनाकर हमला कर सकते हैं, इसलिए कल मैं सुबह यहाँ से निकलूंगा रेन विलेज पर जाने के लिए। अगर तुम मुझे छोड़ने आ सकती हो तो मजा आ जाएगा। और इस तरफ उसी विलेज में जहाँ पर सास्के था, सास्के का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका है, जूको उसकी पट्टियां करता है। सास्के तुम इताची को मारने की बात करते हो, फिलहाल अपनी हाल देखो जरा। वैसे इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमारे पास आराम करने का अच्छा मौका है। साले तू आराम ही करता रहियो हमेशा, काम न करियो कभी। अरे तुमसे ऐसा किसने कहा, मैंने आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। बस बहुत हुआ, सुगेत्सु इताची के बारे में तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? मुझे सब कुछ जाना है। सास्के मुझे अकात्सुकी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, इताची के बारे में नहीं। अकात्सुकी कुछ खास लोगों को ही अपना निशाना बना रहे हैं जिनके पास कुछ खास चक्रा है। और सास्के समझ जाता है, खास चक्रा मतलब कि नारुतो और उसके जैसे कुछ और लोग। और जूको भी बताता है कि उसने कुछ पक्षियों से बात की और उसे अकात्सुकी के हाइडआउट्स के बारे में पता चल चुका है। और तभी सुगेत्सु बोलता है, अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हें जानवरों से बात करना आता है? तुम खुद भी तो एक जानवर ही हो, तुम्हें बस लड़ने के अलावा और कुछ आता ही कहाँ है। और जूको ये सुनकर पागल हो जाता है और बेकाबू होकर अपने श्रापित निशान अपनी पूरी बॉडी में फैला लेता है। कारिन और सुगेत्सु उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और तभी सास्के बोलता है, जूको शांत हो जाओ। सास्के के इतना बोलते ही जूको शांत हो जाता है और सास्के इतना ज्यादा थक चुका है कि वो बैठे बैठे ही सो जाता है। कारिन कुछ खाने के लिए बाहर जाती है और आते वक्त उसे कुछ लोगों का चक्रा महसूस होता है जो कि सीधा उनकी तरफ ही आ रहे हैं। दरअसल ये चक्रा टीम काकाशी का है और की बात जान चुका है कि सास्के इस वक्त कहां पर है और सीधा इनकी तरफ ही आ रहे हैं। कारिन ये सेंस करते ही रूम में जाती है। सास्के उठ जाओ, हमें यहां से निकलना होगा। तो चलो चलते हैं। और ये सभी लोग अकात्सुकी के ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं और उसके बाद
कारिन सास्के के गंदे कपड़े को बहुत सारे टुकड़ों में काट देती है और जुगो को उसके पक्षियों को बुलाने के लिए बोलती है, इन सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और इस तरफ कीबा बोलता है, नहीं कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्यों लेकिन सास्के की स्मेल चारों तरफ बिखर रही है। काकाशी समझ जाता है कि ये उनकी एक चाल है। कीबा हो सकता है कि उनके पास एक स्पेशल टाइप की निंजा है जो ऐसा कर रही है। और नारुतो बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं सास्के को चारों तरफ ढूंढूंगा मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स चारों तरफ बिखर जाते हैं और असली नारुतो काकाशी के साथ जाता है। और तभी जंगल के अंदर नारुतो का एक क्लोन एक आदमी को देखता है जिसके पास शारिंगान है। उसे लगता है कि ये सास्के है, पर ये होता है इताची उचिहा। और इताची बोलता है, नारुतो बाहर आओ। इताची उचिहा, तुम मुझे पकड़ने आए हो ना? नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ पर मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? नारुतो के इतना बोलते ही इताची उसे अपनी सुकियोमी की दुनिया के अंदर लेकर चला जाता है। नारुतो मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें अपने गेंजुत्सु में फंसाना पड़ा, तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? देखो मैं जानता हूँ तुम इताची को विलेज वापस लेकर जाना चाहते हो, पर अगर इसका उल्टा हो गया तो क्या कहना चाहते हो तुम? नारुतो मेरे कहने का मतलब है, अगर सास्के ने लीफ विलेज पर हमला कर दिया तो तुम क्या करोगे? क्या बोल रहे हो ये तुम? आखिर सास्के ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि सास्के भोला है नारुतो, क्या तुम उसे रोक पाओगे? अगर ऐसा होगा तो क्या तुम सास्के को मार पाओगे? एक निंजा को हमेशा बहुत बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और नारुतो बोलता है, मैं सास्के को बचाऊंगा और अपने विलेज को भी, समझे तुम? ये सुनकर इताची खुश हो जाता है। नारुतो तुम्हारे बुलंद इरादों ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, इसलिए मैं अपनी थोड़ी सी ताकत तुम्हें देना चाहता हूँ, शायद किसी दिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। और गेंजुत्सु खत्म होने के बाद इताची यहाँ से गायब हो जाता है। और इसके अगले दिन सुबह के 4 बजे मास्टर जिराया रेन विलेज में जाने के लिए यहाँ के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं और लेडी सुनाडे भी यहाँ पर होती है और ये इनकी आखिरी मीटिंग है गाइस। और लेडी सुनाडे बोलती है, जिराया एक बार और सोच लो, अकात्सुकी का लीडर बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और तुम उसके इलाके में जा रहे हो वो भी अकेले। वैसे मुझे यहाँ से अब निकलना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है। जिराया जिंदा वापस आना प्लीज, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अरे सुनाडे एक बात तो बताओ जरा, अगर मैं मर गया तो क्या तुम रहोगी? लेकिन मुझे शक है कि ये दुख डैन जैसा तो नहीं होगा। गधे हो तुम एक नंबर के। अच्छा चलो ठीक है, एक शर्त लगाते हैं, मैं मर जाऊंगा। वैसे भी तुम शर्त हमेशा हार जाते हो सुनाडे, और अगर सच बोलूं तो मेरे मरने का समय अभी नहीं आया है। जिराया अगर कुछ भी होता है तो एक टोड के सहारे मुझे संदेश भेजोगे, प्रॉमिस करो मुझे, मैं तुम्हें बचाने वहाँ पर खुद आऊंगी। सुनाडे तुम हो कागे हो, तुम नहीं आ सकती, यहाँ के लोग तुम पर निर्भर हैं। मेरे अलावा बहुत लोग हैं यहाँ पर, ठीक है ना? काकाशी है, नारुतो है, सब लोग हैं। तुम नारुतो पर काफी भरोसा करते हो ना? मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा छोटा भाई भी तो उसी की तरह था, और डैन भी। तो तुम भी तो नारुतो पर कितना भरोसा करते हो, इसीलिए तो तुमने उसे रासेंगन सिखाया है ना जिराया? हाँ वो तो सिखाऊंगा ही, मैंने उसके पिता से वादा जो किया था। हाँ मिनाटो कामिकाजे, नारुतो सच में उन्हीं की तरह दिखता है। हाँ मेरा स्टूडेंट मिनाटो अपनी एकेडमी का सबसे होनहार स्टूडेंट था, उसके जैसा और कोई नहीं बन सकता, मुझे उस पर गर्व है। अच्छा अगर ऐसी बात है, दरअसल मुझे लगता है कि नारुतो अपनी माँ के ऊपर गया है। और नारुतो की मॉम का नाम है कोशिना उज़ुमाकी। अच्छा तो तुम उसकी बात कर रही हो? हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ, वो हमारे विलेज की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। हाँ सुनाडे समय कितना तेजी से आगे बढ़ता है ना, ये मुझे आज पता चला सुनाडे। तो चलो ठीक है मैं चलता हूँ सुनाडे, अपना ख्याल रखना, और जाने से पहले मेरी आखिरी चेतावनी, डैन्स और उसके फाउंडेशन से थोड़ा सा बचकर रहना। हाँ मैं जानती हूँ जिराया। तो मैं चलता हूँ सुनाडे, फिर मिलते हैं। और जिराया सेंसे और सुनाडे की आखिरी मीटिंग है, भाई रोना रहा यार बेचारा जिराया सेंसे। और इस सीरीज का 17th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, और गाइज सभी चैनल मेंबर्स के लिए वन पीस एनिमे सीरीज का पहला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। और गाइज नारुतो खत्म होने के बाद वन पीस एनिमे सीरीज पब्लिक हो जाएगी, ताकि भाई सारा कुछ मिक्स ना हो जाए, भाई खिचड़ी मच जाएगी, नारुतो चल रहा है, वन पीस चल रहा है, किसी का कौन सा पार्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो गाइज प्लीज चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। और गाइज आज की वीडियो में आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 17 के लाइक्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।